15 जून 2001 इस दिन को जो है दो मूवी आई थी और वो उस टाइम की सबसे बड़ी मूवी थी। एक थी लगान और दूसरा गदर। भाई इन दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ था, उस क्लैश के बीच में ऐसा तो नहीं हुआ कि बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास असर पड़ा हो, लेकिन हाँ इन दोनों ही मूवीज को ग्रेट मूवीज में गिना जाता है। तो अब इन दोनों मूवी को कम्प्लीट हो गए हैं पूरे 20 साल, और इस पूरे 20 साल के कम्प्लीट होने पे आमिर खान का कहना यह है कि मेरी जो लगान मूवी थी उस मूवी से 3 गुना ज्यादा बड़ी मूवी गदर थी। यानी गदर जितने बड़े स्केल पे शूट हुआ था और जितने बड़े बजट उस वक्त में लगा था, उसके हिसाब से लगान जो है उससे 3 गुना छोटी थी और गदर उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। वैसे एक फैक्ट और भी निकल करके सामने आया है कल के दिन। अनिल शर्मा जो कि गदर फिल्म के डायरेक्टर थे, उनका कहना है कि इस फिल्म को लेकर के वो गोविंदा के पास गए थे और गोविंदा ये स्टोरी सुनने के बाद में डर से गए थे। इसके बाद से हीरोइन जो थी उसमें फर्स्ट चॉइस थी काजोल। यानी अगर सनी देओल और अमीषा पटेल इस फिल्म में नहीं होते तो इस फिल्म की फर्स्ट थे गोविंदा और काजोल। इन दोनों को लेकर के इस फिल्म को शूट किया जाना था और इन्हीं दोनों को लेकर के गदर फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे हिट करने वाली थी 15 जून 2001 को। लेकिन काजोल की तरफ से रिजेक्शन आया और गोविंदा इस स्टोरी से डर गए कि पता नहीं पब्लिक इस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगी इस फिल्म को देखते समय, तो बेटर है कि ये फिल्म ना ही किया जाए। वैसे अनिल शर्मा का कहना है कि इस फिल्म को लेकर के वो और भी कई सारे स्टार्स के पास गए थे, पर उन सभी की तरफ से रिजेक्शन आने के बाद उन्होंने चुना सनी देओल और अमीषा पटेल को। रिजल्ट आप सबको पता है। इसके अलावा एक और चीज के बारे में अनिल शर्मा ने बात की है कि ये फिल्म के अंदर में जो हैंडपंप वाला सीन है, यानी जिस सीन में सनी देओल को दिखाया जाता है कि वो पाकिस्तान जा करके वहां का हैंडपंप उखाड़ लेते हैं और सभी लोग मानो ऐसे शांत हो गए हो जैसे कि उन्हें सांप सूंघ गया हो, वो चुपचाप वहां से अपने बीवी और बच्चे को लेकर के निकल जाते हैं। इस सीन को जब स्क्रिप्ट में लिखा गया था तो उस वक्त क्रिएटिव टीम का कहना यह था ये सीन फिल्म को जो है फ्लॉप कर जाएगी और इस सीन में जो है कोई भी लॉजिक नहीं लगता है, आपने जो लिखा है ये बहुत बड़ा रिस्क है, इस सीन को नहीं डालना चाहिए, हम इस पे काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अनिल शर्मा ने इस सीन को बनाया और फिल्म में डाला भी, और उसका रिजल्ट आप सबको पता है कि आज अगर सनी देओल को एक आइकॉन माना जाता है तो वो इस सीन के वजह से भी, कि भाई उनके सामने में कोई भी टिक नहीं सकता, वो चाहे तो भाई एक हाथ से पूरा हैंडपंप उखाड़ डाले। नेक्स्ट न्यूज है अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम और सूर्यवंशी के बारे में। इन दोनों ही फिल्म को रिलीज करने को लेकर के मेकर्स हमेशा कंफ्यूज रहे और कई बार मेकर्स ने ऑफिशियली जो स्टेटमेंट दिया उसपे ये कहा कि जो भी रूमर्स चल रहा है कि ओटीटी पे रिलीज होने वाली है, हमने अभी तक ऐसा सोचा नहीं और नहीं लगता है कि हम ओटीटी में इसे रिलीज करेंगे। सो फाइनली अक्षय कुमार के जो फैंस है उनके लिए गुड न्यूज ये है कि भाई बेल बॉटम अब रिलीज होने वाली है और डेट ज्यादा दूर नहीं, नेक्स्ट मंथ ही है, यानी जून को 27, 2021 पे ये मूवी रिलीज होने वाली है, वो भी थिएटर में। बिल्कुल सही सुना है, और ये फाइनल न्यूज बताया जा रहा है। बेल बॉटम की जो टीम है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और यहाँ तक के अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया है कि आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे और इतने लंबे समय तक अपने पेशेंस को बनाए रखने के लिए धन्यवाद। भाई इसी तरह के ट्वीट जो है उन्होंने किए हैं और फैंस इस मूवी को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और जहां तक की बात मेरी है तो भाई मैं भी एक्साइटेड हूं, क्योंकि इस फिल्म को बहुत ही शॉर्ट टाइम पे शूट करके खत्म कर दिया गया था और वो भी लॉकडाउन के बीच में ही ये फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन कम्प्लीट हो चुकी थी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन था मेकर्स को कि इसे कहां रिलीज करें, ओटीटी पे या फिर थिएटर में। बात करते हैं सूर्यवंशी के बारे में। सूर्यवंशी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और ये न्यूज कितनी पक्की है इसके बारे में मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले सूर्यवंशी के रिलीज डेट को लेकर के बहुत बार कंफर्मेशन दी गई और वो सारे कंफर्मेशन जो है फेल होती आई है। आई होप कि 15 अगस्त के दिन में जब ये मूवी रिलीज होगी तो भाई थिएटर रॉक कर जाएगा। What do you think? आप इस मूवी को लेकर के कितने ज्यादा एक्साइटेड है वो भी जरूर बताना, क्योंकि इसमें मेरा फेवरेट हीरो और मेरा फेवरेट डायरेक्टर है रोहित शेट्टी एंड रणवीर सिंह। इसके अलावा जो भी सिंघम के फैन है वो तो देखेंगे ही, और अक्षय कुमार के फैन तो भाई ईगरली वेटिंग कर रहे हैं इस मूवी को लेकर के। मेरा इस मूवी को देखने का रीजन रहेगा कि भाई डायरेक्शन रोहित शेट्टी की तरफ से है। इसके बाद एक न्यूज कल के दिन में ये भी निकल करके आ रही है, एक फोटो है जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। लाल सिंह चड्ढा का एक गेटअप था जिसमें दाढ़ी और पगड़ी लगा करके आमिर खान दिख रहे थे, और ये लुक जो है बहुत ही ज्यादा ट्रेंड किया और एक साल तक कंटिन्यूसली लोगों ने देखा और वेट किया।
नाउ फाइनली एक और अवतार सामने आया है लाल सिंह चड्ढा का, यानी आमिर खान का जो गेटअप है वो खाकी में है। इस फोटो को देख करके लग रहा है कि वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले हैं और उनको जो है इस मूवी के अंदर में बहुत ही अलग अलग अवतार में देखे जाने की उम्मीदें हैं। आपने अगर इस फोटो को देखा है तो आप बताओ यार आपके रिएक्शन क्या है, और खाकी वर्दी में आमिर खान को देखना आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आमिर खान ने फर्स्ट टाइम जो खाकी वर्दी पहनी थी वो था तलाश मूवी, और उसके बाद से आई थिंक ये वाली मूवी होगी। और अगर आप बोलोगे कि पीके में भी पहना था तो उसमें उनका रोल तो नहीं था, अब देखते हैं इसमें खाकी वर्दी का कितना ज्यादा काम है और इसमें ये वाला सीन कहां पे जाकर के मिलता है। सो ये थी हॉट शॉट अपडेटेड बॉलीवुड की न्यूज अब तक की। आपका क्या रिएक्शन है प्लीज जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे, आप किन किन न्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और भी कौन सी न्यूज के बारे में आप जानना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइन एंड हस्ता ला विस्ता।